नमस्कार साथियों, आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे महासागरीय निक्षेप की। जो महासागर में जो निक्षेप होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, है ना, उनको निक्षेप किसे कहते हैं, उनके स्रोत क्या है और उनका विभाजन किस प्रकार से किया जा सकता है, इस सब के बारे में इस टॉपिक में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जिस तरीके से धरातल पर अवसादों का जमाव होता है, ठीक उसी प्रकार से महासागर पे भी, महासागरी नितल में भी अवसादों का जमाव होता है। तो अवसादों के जमाव को ही, सागरीय तली पर अवसादों के जो जमाव है उसे ही सागरीय निक्षेप कहते हैं। और ये जो निक्षेपित पदार्थ है वो असंगठित पदार्थ होते हैं, है ना। और असंगठित पदार्थ जो सागरों में जमा होता है उसे निक्षेपण कहते हैं। और इस इन जो अवसाद हैं उन्हें धरातल से ही, जैसे जीव जंतु, ज्वालामुखी, स्थल स्वरूप, वनस्पति आदि के द्वारा, आदि के जो जीव जंतु इनके अवशेष आदि के द्वारा अवसाद प्राप्त होता है। और ये अवसाद परिवहन के द्वारा, अपवाहतंत्र के जो परिवहन के द्वारा सागर में क्षितिज या लंबवत रूप में जमा होते जाते हैं। तो सागरी जो निक्षेपण के जो स्रोत हैं, स्रोतों के आधार पर उसको तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है स्थलीय निक्षेप, जिन्हें भूमिज स्रोत भी कहते हैं। दूसरा है ज्वालामुखी का उद्भेदन और तीसरा है सागरीय जीव जंतु एवं वनस्पतियाँ, जिनमें ये सभी हैं। इनमें कार्बनिक चूनायुक्त, सिलिकायुक्त, सब प्रकार के जो अवसाद हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं और सागरीय नितल पे ये जमा होते जाते हैं। तो सबसे पहला स्थलीय या भूमिज निक्षेप। तो स्थलीय भूमिज निक्षेप वो जो धरातलीय से, धरातल से प्राप्त होते हैं, जो स्थल से प्राप्त होते हैं, कि स्थल से जब किसी भी चट्टान या किसी भी वस्तु का अपक्ष की क्रिया के द्वारा चट्टानों के टूटना फूटना या विघटन या वियोजन होता रहता है, उसको, उन टूटी हुई या विघटित चट्टानों को या कणों को या सामान को परिवहन के साधन, जिनमें तुम हिमानी ले लो, पवन ले लो, जल ले लो, ये सब के द्वारा सागर में जमा हो जाने की जो क्रिया होती है उसे भूमिज निक्षेप के अंतर्गत जमा किया जाता है। और इसमें एक चीज़ हम ये और देखेंगे, इस तरह से प्राप्त जो निक्षेप है उनमें, कि इनकी कण की बनावट के आधार पर ये सागर में जमा होते हैं, कि जितने बारीक कण होते हैं वो सागर में उतने अंदर तक जमा होते हैं और जो जितने मोटे कण होते हैं वो सागर के तट पे जमा होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद हम बात कर देंगे कि बनावट के आधार पर इन कणों को कई भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला है इसमें बजरी, जो सबसे बड़े कणों में आता है। इसकी बनावट 2 मिलीमीटर से लेकर 256 मिलीमीटर तक होती है ना। और इसका कई भागों में इसका विभाजन किया है, गोलाश में, गोलाश में का, गुटी का और कणी का। जो गोलाश में है उस 256 मिलीमीटर से अधिक व्यास वाले टुकड़ों को गोलाश में कहा जाता है। 64 से लेकर 256 मिली व्यास वाले को गोलाश में का कहते हैं। 4 से लेकर 63 मिलीमीटर व्यास वाले को गुटी का कहते हैं और 2 से 3 मिलीमीटर व्यास वाले को कणिका कहते हैं। ठीक है, दूसरा है रेत। जो रेत है वो बजरी से, मतलब बनावट आकार के आधार पर बजरी से थोड़ा छोटा होता है। जो 1 मिलीमीटर व्यास से लेके 1/6 मिलीमीटर व्यास वाले कणों को रेत कहते हैं। और कणों के आकार के आधार पर रेत को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है अधिक मोटी रेत, जो 1 मिलीमीटर व्यास वाली है। दूसरा है मोटी रेत, जो 0.5 मिलीमीटर व्यास वाली है। तीसरा है मध्यम रेत, जो 0.25 मिलीमीटर व्यास वाला है। चौथा है बारीक रेत, जो 0.125 मिलीमीटर व्यास वाला है। और पांचवा है अत्यधिक बारीक रेत, जो 1/16 मिलीमीटर व्यास वाली होती है। और इसमें भी ये होता है, जो जितनी बारीक रेत है अत्यधिक बारीक वो उतनी अंदर रहेगी और जो जितनी मोटी है वो उतनी ही बाहर रहेगी। ठीक है, और जो रेत है उसका जो निर्माण है वो बजरी में, जो गोलाश में, गुटिका और कणिका है, गोलाश में का, उसके विघटन के द्वारा जो
नेक्स्ट स्वरूप है वो रेत के रूप में विकसित होता है। इसमें तीसरा प्रकार है सिल्क मृत्तिका या पंख कह सकते हैं हम इसे। तो जो इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, ये जो सिल्ट है वो 1/17 मिलीमीटर व्यास से लेके 1/256 मिलीमीटर व्यास वाले कणों को सिल्ट कहते हैं। 1/257 मिलीमीटर व्यास से 1/8192 मिलीमीटर व्यास को मृत्तिका कहते हैं, ठीक है। और मृत्तिका से भी जो छोटा स्वरूप है उसे पंख कहते हैं। रंग के आधार पर जो, अब यहाँ पर पंख का विभाजन किया है, रंग के आधार पर जो पंख है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है नीला पंख, दूसरा है लाल पंख और चौथा है, सॉरी तीसरा है हरा पंख। नीला पंख वो है जिसका निर्माण लोहे के सल्फाइड तथा जैविक तत्वों से युक्त चट्टानों के विघटन से प्राप्त होता है। कि लोहे के सल्फाइड और जैविक तत्वों से युक्त जो चट्टान है उसके विघटन से जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे नीला पंख कहते हैं। और समुद्र में इस नीला पंख की ही मात्रा ज़्यादा होती है बजाय लाल और हरी पंख के। दूसरा है लाल पंख, लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है, ठीक है। और इनमें जो कैल्शियम की मात्रा है वो 32% तक रहती है। तीसरा है हरा पंख, इसमें पोटेशियम सिलिकेट तथा आयरन सिलिकेट की प्रधानता होती है जिसे ग्लूकोनाइट भी कहते हैं, ठीक है। और जो ग्लूकोनाइट है उसकी जो इसमें मात्रा, लोहे के अंश का जो ग्लूकोनाइट की मात्रा है वो 7 से 8% तक रहती है, और पोटाशियम की जो मात्रा है वो 7%, और चूने की मात्रा 50% तक रहती है। अब दूसरे स्रोत हैं ज्वालामुखी स्रोत। ज्वालामुखी स्रोत में है कि जो सागर के अंदर जिस तरह से स्थल स्वरूप है ज्वालामुखी आती है, ठीक उसी प्रकार से सागर के अंदर भी ज्वालामुखी फटते हैं। और उन ज्वालामुखी पदार्थों से जो निक्षेपण होता है सागर के नितल पर, उस निक्षेपण को ज्वालामुखी निक्षेपण कहा जाता है। इसके दो स्रोत होते हैं, पहला धरातल से स्वरूप, धरातल से, और दूसरा सागर से। जो धरातल से जो ज्वालामुखी पदार्थ है उसका विघटन और वियोजन के द्वारा ये पवन के द्वारा उड़ाकर सागर तक लाई जाती है कई बार, और कई बार नदियों की जो किस द्वारा भी सागर में आती है, सागर में जमा होती है, जिससे वर्षा के द्वारा उनका अपरदन होता है और अपरदन के द्वारा अपवाहन की क्रिया के द्वारा ये सागर में आके जमा हो जाती है। और दूसरा स्रोत है महासागर के अंदर ज्वालामुखी का उद्भेदन, जो सीधे सागर में ही, जो ज्वालामुखी से जो पदार्थ निक्षेपित होते हैं निकलते हैं वो सीधे सागर में ही जमा हो जाते हैं। और इस प्रकार के जो ज्वालामुखी से निक्षेपित जो क्षेत्र है उनके जो किनारे हैं वो बड़े कणों वाले होते हैं और उनमें ज्वालामुखी रेत कहते हैं, और इनका रंग भूरा और काला होता है। स्पेशली ये चीज़ को ध्यान रखना है कि जो ज्वालामुखी पदार्थ से निक्षेपित जो निक्षेपण होता है सागर में उसका जो रंग है वो गहरा भूरा और काला होता है। तीसरा है जैविक पदार्थ। इसके अंतर्गत जो सागरीय जीव हैं जिसमें चूना प्रधान और सिलिका प्रधान दोनों प्रकार के जीव हैं, उनके अवशेष इसमें सम्मिलित किए जाते हैं और इन्हें कार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं ज़्यादातर। और गहराई के आधार पर इनको 2 भागों में जीवअस्थि पंजतर वनस्पति अवशेष होते हैं जिसमें गहराई के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है नेरेटिक पदार्थ जिन्हें तट तलवासी भी कहते हैं,
और दूसरा है अगाध सागरीय या पेलेजिक पदार्थ। जो नेरेटिक पदार्थ है ये सामान्यतः महाद्वीपीय मगन तटों पर पाए जाते हैं, है ना, और इसके ऊपर भूमिज पदार्थ का आवरण पाया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत सागरीय जीवों के अस्थि पंजर तथा वनस्पतियों के विघटन और अपघटन वाले अवशेष सम्मिलित किए जाते हैं। और जो पैलेजिक पदार्थ है दूसरे प्रकार के, उसके अंतर्गत ये गहरे सागर में निक्षेपित होते हैं। दोनों में इतना अंतर है कि पहला है वो जो नेरेटिक है वो मगन तटों पर पाए जाते हैं और भूमिज पदार्थों का उन पर जमाव होता है, और जो पैलेजिक पदार्थ है वो सागर के गहरे क्षेत्रों में निक्षेपित हो जाते हैं, और इनमें मुख्य रूप से शैवाल एवं इसमें समुद्री जीव के अवशेष सम्मिलित किए जाते हैं, जो यांत्रिक एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा कीचड़ में परिवर्तित हो चुके होते हैं, जिन्हें ऊज भी कहा जाता है। ठीक है, अब ऊज के प्रकार, दो प्रकार के होते हैं ऊज, एक है चूना प्रधान ऊज और दूसरा है सिलिका प्रधान ऊज। ठीक है, जो चूना प्रदान वाले ऊज हैं उनमें चूने पदार्थ की अधिकता पाई जाती है, इस कारण ये इस प्रकार के जो ऊज हैं वो पानी में जल्दी घुल जाते हैं, अतः ये पदार्थ अपेक्षाकृत कम गहराइयों पर पाए जाते हैं, है ना। ध्यान रखना है हमेशा चूना प्रदान ऊज वो मतलब तट के आसपास ही पाए जाएंगे, क्योंकि चूना है वो पानी में जल्दी घुल जाता है। और प्रमुख जीवों के आधार पर चूना प्रधान ऊज को दो भागों में विभाजित किया है, पहला टेरापोड ऊज और दूसरा ग्लोबी जेरीन ऊज। टेरापोड ऊज जिसमें चूने की मात्रा 80% होती है, यह अधिकतम 200 फैदम की गहराई पर पाया जाता है। इसका निर्माण टेरापोड नामक मोलस्का द्वारा होता है। ठीक, दूसरा है ग्लेबी जेरीना युज। इसका निर्माण मुख्यतः ग्लोबी जेरीना नामक फोरा फेनी फेरा जीव के द्वारा होता है, और ये 2000 से 4000 फैदम के बीच पाए जाते हैं, और इसमें ये सफ़ेद दूधिया रंग के होते हैं, और इसमें कैल्शियम की मात्रा है वो 64.47% के आसपास होती है, और इस प्रकार के जो ऊज है उसमें क्वार्टराइज है अभ्रक आदि खनिज पदार्थ सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब दूसरा है सिलिका प्रधान ऊज। जो सिलिका प्रधान ऊज है वो कम घुलनशील होने के कारण अधिक गहराइयों पर पाए जाते हैं, है ना, और पुनः इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है सिलिका प्रधान ऊज को। पहला है रेडियो लेरियन ऊज और दूसरा है डायटम ऊज। जो रेडियो लेरियन ऊज है इसका निर्माण रेडियो लेरियन नामक जीव के अवशेष से होता है, तो जो ऊज का नाम है वही उसमें जीव के अवशेष होते हैं ना, जो एक प्रोटोजोवा जीव है। साथ ही इसमें फोरोफेनिफेरा वर्ग के जीवों के अवशेष भी मौजूद हैं। ये जो ऊज है 2000 से 5000 फैदम की गहराइयों पर पाई जाती है, और उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से इस ऊज के अंश मिलते हैं, है ना। और कैल्शियम इसमें बहुत कम मात्रा में होता है और लगभग 4% होता है, और इस प्रकार के जो ऊज हैं स्पेशली हिंद महासागर के पूर्व में तथा अटलांटिक महासागर के छुटपुट क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा है डायटम ऊज।
इसका निर्माण अत्यंत सूक्ष्म पौधों के द्वारा होता है, ये चीज भी ध्यान रखने वाली चीज है ना। इसमें मृत्तिका के अंश पाए जाते हैं, सिलिका के अंश की अधिकता होती है, कैल्शियम की मात्रा इसमें 3 से 30% होती पाई जाती है, और 6000 से सॉरी 600 से 2000 फेदम की गहराइयों पर डायटामोज की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और इसका जो अटलांटिक महाद्वीप के चारों ओर दक्षिण तथा उत्तरी प्रशांत महासागर में इस प्रकार के उजों को उज की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। अब अगला है एक कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। एक कार्बनिक जो पदार्थ, नहीं, इसमें हम एक और चीज़ देखेंगे कि जो पैलोजिक निक्षेपण है संपूर्ण महासागर में 75% भाग में फैला हुआ है, ध्यान रखने वाली चीज़ है ना। पैलोजिक जो निक्षेपण है वो संपूर्ण महासागर के 75% भाग पे फैला हुआ है, उसके प्रमुख अवयव निम्नलिखित है। इसमें लाल चीका जिसका प्रतिशत 36.1% है, ग्लोबी जेरिनिया उज 29.2% है, डायटम उज 6.4% है, रेडियो लेरियन उज 3.4% है, और टेरापोड 0.4%, यानी सबसे कम टेरापोड है, और उजों में सबसे ज़्यादा ग्लोबी जेरिनिया उज है, और लाल चीका की मात्रा 36.1% है। अब अजैविक पदार्थों का निक्षेपण, जब तापमान में वृद्धि या कार्बन ऑक्साइड की मात्रा कम होने के कारण वायुमंडल में परिवर्तन होता है तो ठोस पदार्थ पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं, इन महासागरों पे इनका निक्षेपण होता जाता है, ठीक है। इनमें डोलोमाइट, सिलिका, लोहा, मैग्नीज, ऑक्साइड, सल्फेट, बेराराइट्स आदि प्रमुख खनिज तत्व तो पाए जाते हैं। अगला है लाल चीका। लाल चीका, लाल मृत्तिका एक ही बात है। ये महासागरीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विस्तृत है, बताया था अभी 36.1% भाग में, और यह सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाए जाने वाला पहला जो एक निक्षेपण है। इसमें मुख्य रूप से एल्यूमिनियम के हाइड्रेटेड सिलिकेट एवं लोहे के ऑक्साइड की मात्रा मुख्य रूप से पाई जाती है ना। और ज्वालामुखी के विघटन से जो अंश पदार्थ प्राप्त होता है उससे लाल मृत्तिका का निर्माण मुख्य रूप से होता है। और ये जो लाल मृत्तिका है अटलांटिक महासागर में 40 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य हिंद महासागर में और उत्तरी प्रशांत महासागर में लाल मृत्तिका मुख्य रूप से पाई जाती है, और लाल मृत्तिका है वो 2700 फैदम गहराई तक भागों में पाई जाती है ना। इस प्रकार हम ये समुद्री महासागरीय जो निक्षेप है उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। धन्यवाद।